वेलकम बैक टू द वीडियो। और इंस्टाग्राम पे आपको यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिखी होगी, हमें डैशबोर्ड हटाने, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। वैसे फायदे बहुत हैं इसे रखने के, अगर आप पर्सनल अकाउंट रखना चाहते हो और आपका कोई भी मूड नहीं है कि भाई मतलब मेरे ही जो वीडियो है वो रोहतक जाए या मुझे कोई इंसाइट की जरूरत है, तो आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटा सकते हो। वैसे बहुत काम की चीज़ है और ये तभी मिलते हैं जब आपका अकाउंट पब्लिक हो। अब ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाना कैसे, इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। तो इसे हटाने के लिए हम सिंपल सा काम कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आपको स्टेप फॉलो करने एंड ये चुटकियों में हट जाएगा। तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने, यहाँ पे अपनी जो राइट टॉप कॉर्नर थ्री लाइन दिख रही है ना, इस पे टैप करना है। उसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स पे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के फायदे बहुत हैं, बट फिर भी हटाना चाह रहे हो तो हटा लो। और ये तब है जब आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो या आपको कंटेंट वायरल चाहिए, आपकी रील्स पे बहुत ज्यादा व्यू चाहिए, पोस्ट पे बहुत ज्यादा लाइक चाहिए, तो ये रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर आपको नहीं रखना है और आप सिंपल अपना मस्त आपको अपने ही कम्युनिटी में सिर्फ आपके दो चार जो दोस्त हैं मतलब 100-500 उन तक ही रखना चाहते हो तो बेस्ट है, आप इसे हटा सकते हो। ओके, तो उसके लिए जैसे राइट ऑपन और थ्री लाइन पे टैप करोगे, हल्का सा स्क्रोल डाउन करो एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल का, राइट। इसी की वजह से आता है, जैसे मेरे बिजनेस अकाउंट है या फिर क्रिएटर अकाउंट है, इसी वजह से ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आता है। आपका भी बिजनेस अकाउंट होगा या फिर क्रिएटर अकाउंट होगा, उसी की वजह से ये आया है। अब इसे हटाने के लिए हम लोग हल्का सा स्क्रोल डाउन करेंगे। अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे स्विच अकाउंट टाइप, दिख रहा है ना, स्विच अकाउंट टाइप मोनेटाइजेशन के नीचे, इस पे टैप करो। पर्सनल या क्रिएटर, क्रिएटर बनाओगे तो फिर वापस आ जाएगा, हमें पर्सनल पे टैप करना है। पर्सनल पे टैप कर दिया है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, व्हेन यू स्विच बैक टू पर्सनल अकाउंट इन ऐप इनसाइट विल टर्न्ड ऑफ। कह रहा है ना ये कि इन ऐप इनसाइट्स हैं वो टर्न्ड ऑफ हो जाएगी, प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, तो स्विच टू पर्सनल अकाउंट कर लो। जैसे ही हम स्विच टू पर्सनल अकाउंट करेंगे, ये हमारा एक पर्सनल अकाउंट हो गया है, अब इनसाइट्स का ऑप्शन हट जाएगा, डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं यहाँ पे, अब आप देखोगे जैसे यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड था ना, वो हट के अब यहाँ पे सिर्फ एडिट प्रोफाइल्स आ गया है। बट इसके साथ आपको एक काम और करना है, राइट टॉप कॉर्नर थ्री लाइन पे टैप करके वापस से सेटिंग एंड प्राइवेसी पे टैप करना है। अब हल्का सा स्क्रोल डाउन करके अकाउंट प्राइवेसी पे जाओ, पब्लिक की जगह से प्राइवेट कर लो। ओके, कैंसिल, यहाँ से प्राइवेट हो गया आपका अकाउंट। दैट मीन्स अब जो आपका अकाउंट है वो प्राइवेट भी है, अब आपका अकाउंट है उसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी हट गया है, एंड अब चिल होके आपको जो भी यूज करना है, जहां भी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन अब जैसे मेरे 22 फॉलोअर है ना, और ये फॉलोइंग 225 है, आपके जितने फॉलोइंग है जितने फॉलोअर्स हैं, सिर्फ वो ही आपका कंटेंट देख सकते हो, उसके अलावा और किसी को आपका कंटेंट नहीं दिखेगा। यही आप चाहते थे, तभी हमने प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाया है, यानी कि अपने अकाउंट को पब्लिक से पर्सनल करना प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाना होता है। हट गया, अब आपके सामने कभी नहीं आएगा अंटिल अनलेस आप उसे वापस से क्रिएट करके पब्लिक अकाउंट या फिर प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाते। बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया, टाइम बिल्कुल नहीं खींचा है। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड हट गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं हट रहा है तो कमेंट में लिख दो, मैं हटवा दूंगा कमेंट बॉक्स में भी। बाकी उसी के साथ साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए राज चौधरी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।